हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है KUK यूनिवर्सिटी की तरफ से। KUK यूनिवर्सिटी का स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी सेकेंड सेकेंडरी मॉडल स्कूल। फोर सेशन 2024-25 वॉक इन इंटरव्यू है। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, डेट, टाइम मेंशन है यहाँ पे। TGT साइंस, वन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इंटरव्यू डेट है आपकी 8th ऑफ अगस्त और टाइम रहेगा आपका 11 AM। TGT सोशल साइंस, वन पोस्ट है इसकी भी, 8 अगस्त को इसका भी इंटरव्यू है और टाइम आपका रहेगा 3:30 PM। PGT फिजिकल एजुकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 9th अगस्त को है और 11 AM आपका इंटरव्यू टाइम है। TGT पंजाबी, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 9th अगस्त को है इंटरव्यू, टाइम है 3 PM। सीटेट पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। TGT की सैलरी रहेगी मैक्सिमम 36,000 पर मंथ, 315 होते हैं पर पीरियड के, और वर्कलोड होगा आपका 4 to 5 पीरियड्स पर डे। TGT की मैक्सिमम सैलरी होगी 30,000, 260 पर पीरियड, इसका भी सेम वर्कलोड होगा 4 to 5 पीरियड पर डे। एज 18 to 50 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर एप्लीकेशन 7 कॉपीज ऑन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोमा एज एट ओवरलीफ अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस डियर अलाउंस विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। यहाँ पर प्रोफोमा दिया हुआ है, इसकी टोटल आपको 7 कॉपीज लेके जानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्ट करके, और साथ ही में आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या डियर अलाउंस नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिकल एजुकेशन, MA फिजिकल एजुकेशन और MPED विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MA कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। मैट्रिक में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए या फिर 12th BA MA, इनमें से किसी में भी आपके पास हिंदी होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, या तो आपका HTET क्लियर होना चाहिए या फिर HTET। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। TGT साइंस के लिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एज अ साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JBT, DED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन में साइंस है और साथ ही में उन्होंने टीचिंग कोर्स में साइंस लिया हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही में साइंस का टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास BEd में, और 50% मार्क्स आए हों एटलीस्ट। 4 ईयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, या फिर आपने 4 साल का BLED का कोर्स कर रखा हो जिसमें आपके 50% मार्क्स आए हों साइंस सब्जेक्ट में। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BA BED विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, या फिर आपने 4 साल का BA BED का कोर्स कर रखा हो जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो 50% मार्क्स के साथ। इन केस ऑफ BSc अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपने BSc कर रखी है तो इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स एंड मस्ट पास पेपर बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपने ऑनर्स डिग्री कर रखी है तो जो भी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बता रखे हैं इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में लिए हो और उसमें पास कर रखा हो थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET,
स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट इन साइंस सब्जेक्ट, एचटेट या फिर एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर, हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए टेंथ या ट्वेल्थ तक। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज अ सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JVT, DED, DLED। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आए हों, साथ ही में आपके पास सोशल साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए और सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए BTC, JVT और DED में। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही में सोशल साइंस आपने BEd में भी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन में। 4 years bachelor in elementary education BLED with at least 50% marks in social science subject or 4 years integrated BA BED with at least 50% marks in social science subject। आपने 4 साल का BLED कर रखा हो जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सोशल साइंस में, या फिर आपने 4 साल का BA BED कर रखा हो जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में। इन बैचलर डिग्री एनी 2 subject आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ कोर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सोशोलॉजी साइकोलॉजी। बैचलर डिग्री में आपके पास इन 6 subject में से कोई भी 2 subject होने चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हों एग्रीगेट इंडिविजुअली होने चाहिए 3 साल में। नोट इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 subject इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। ग्रेजुएशन अगर आपने ऑनर्स डिग्री में की है तो इन 6 subject में से आपने कोई भी 2 subject फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़े होने चाहिए, साथ ही में आपका एचटेट और एसटेट क्लियर होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए 10th और 12th level तक। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT पंजाबी, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पंजाबी एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JVT, DED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही में आपने BTC, JVT और DED में पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और साथ ही में पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए BEd या फिर BED स्पेशल एजुकेशन में। 4 ईयर का आपने कोर्स किया एलिमेंट्री एजुकेशन BLED तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आपने 4 ईयर का BA BED इंटीग्रेटेड कोर्स किया उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। एचटेट या फिर एसटेट क्लियर होना चाहिए पंजाबी सब्जेक्ट में और साथ ही में हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए 10th तक, या फिर हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th।